नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी। मैं पूनम और मैं यशपाल सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बस किराए में 25% बढ़ोतरी, प्रदेश कैबिनेट ने लिया फैसला। बस किराया बढ़ाने के निर्णय को तुरंत वापस ले हिमाचल सरकार, माकपा ने बुलंद की आवाज। पौंटा के बाता मंडी में बाइक सवार बदमाशों ने दागी गोलियां, बाल बाल बचे पिता पुत्र। मास्क न पहनने पर 66,000 जुर्माना, बिलासपुर पुलिस ने किए 448 चालान। बैजनाथ शिव मंदिर में नहीं लगी श्रद्धालुओं की कतारें, लोगों ने घरों में ही की पूजा अर्चना। माँ बगलामुखी मंदिर सूना, कोरोना ने छीनी श्रद्धालुओं की चहल पहल। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय शिवालिक इंडस्ट्रीज, बेस्ट क्वालिटी एप्पल ट्रीज। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा 108 के अंतर्गत उन 38 एम्बुलेंस को बदलने की स्वीकृति प्रदान की गई जो अब पुरानी हो चुकी हैं। ये निर्णय प्रदेश में स्वास्थ्य प्रणाली में 108 एम्बुलेंस की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखकर लिया गया है। मंत्रिमंडल ने COVID-19 महामारी के दृष्टिगत बस किराए में वृद्धि का निर्णय लिया है। पहले 3 किलोमीटर के लिए अब 5 रुपए के स्थान पर 7 रुपए किराया वसूला जाएगा। 3 किलोमीटर के बाद पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में सभी प्रकार की यात्रा के लिए वर्तमान प्रति किलोमीटर किराए में 25% की बढ़ोतरी की जाएगी। बस किराए में की गई बढ़ोतरी को प्रदेश सरकार जल्द वापस ले, ये मांग भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य मंडल सदस्य संजय चौहान ने की है। उन्होंने कहा कि बस किराए में बढ़ोतरी से आम जनता पर इसका सीधा असर पड़ेगा। किराया वृद्धि के निर्णय ने प्रदेश की बीजेपी सरकार और इनके मंत्रियों के दोहरे चरित्र को भी उजागर कर दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि किराया बढ़ोतरी को जल्द वापस लिया जाए ताकि कोरोना महामारी के दौरान संकट से जूझ रहे लोगों को कुछ राहत मिल सके। पौंटा के बातामंडी में मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों ने एक युवक पर दनादन गोलियां बरसा दी। गनीमत ये रही कि बदमाशों का निशाना सटीक नहीं लगा, अन्यथा जानी नुकसान हो सकता था। जानकारी के अनुसार अख्तर नामक युवक ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वह अपने बेटे के साथ घर जा रहा था। जैसे ही वह बाता पुल चौक पुल से अपने घर की ओर मुड़ा तो 2 बदमाशों ने उस पर गोलियां दाग दी। उन्होंने 3 फायर किए लेकिन अंधेरे के कारण निशाना सही नहीं लगा, जिस कारण उसके व उसके बेटे की जान बच गई। फॉरेंसिक टीम के SO NS पटियाल ने बताया कि अख्तर अली की शिनाख्त पर हर जगह से सबूत इकट्ठे कर लिए गए हैं। DSP पौंटा वीर बहादुर सिंह ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। बाता पुल पर लगे CCTV फुटेज भी चेक किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है, जल्द ही आरोपी पुलिस की हिरासत में होंगे। लास्ट में जाके वहाँ रुकी हो, मैं नीचे से जा रहा हूँ, उन्होंने मेरे पे 3 फायर किए। अब बाइक पे थे, कौन थे अब ये मेरे को पता नहीं लगा कौन थे कौन नहीं। किसी से दुश्मनी कोई ऐसी कुछ बात नहीं, कुछ कोई ऐसी बात नहीं है। करीब 8:30 बजे माता मंडी से एक व्यक्ति ने पुलिस थाने में रिपोर्ट की कि जब शाम को घर वापस जा रहा था तो जो मेन रोड है वहाँ से कच्चा रोड उसके गांव की तरफ जाता है जहाँ पे एक पुल निर्माणाधीन है। तो वो जब कच्चे रोड से जा रहा था, उसका बेटा भी उसके साथ था मोटरसाइकिल पे, तो एक मोटरसाइकिल में 2 लोग आए और उन्होंने पुल के पास से फायर किया, जिस पर पुलिस मौके पे पहुंची और उसके बाद वहाँ पे लोग का जायजा लिया। तो वहाँ से घटनास्थल से 3 खाली होल बरामद किए हैं और अभी पुलिस जांच जारी है। कंप्लेनर को एसोसिएट किया गया है इन्वेस्टिगेशन के लिए, फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है। तो आगे जैसे भी जांच में तथ्य सामने आते हैं उसी हिसाब से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलह।
बिलासपुर में अब सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क नहीं लगाने वालों की खैर नहीं। पुलिस ने कोविड 19 के तहत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ शिकंजा कसना आरंभ कर दिया है। बिलासपुर पुलिस ने अब तक कोरोना काल में IPC की धारा 144 के तहत सोशल डिस्टेंसिंग की उल्लंघना करने पर 260 मामले पंजीकृत किए हैं। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाने वाले बिगड़ैल लोगों के खिलाफ लगभग 448 चालान कर लगभग 66,000 रुपए का जुर्माना वसूला है। DSP मुख्यालय संजय शर्मा का कहना है कि सरकार ने कोविड 19 के तहत कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क लगाना अनिवार्य किया है। नियमों की अवहेलना करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। हमारे के दौर में जितने भी सार्वजनिक स्थान हैं, जिनमें सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने और मास्क पहनने के लिए जो भी दिशा निर्देश सरकार और प्रशासन द्वारा दिए गए हैं, उनकी पालना सुनिश्चित करना हर एक नागरिक का कर्तव्य है, ताकि जो कोरोना जो है वो ना फैले। और जिला पुलिस जो है वो जो इन नियमों की उल्लंघना करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जो है प्रतिबद्ध है। अभी 19 जुलाई तक जिन्होंने धारा 144 जो है वो उनकी उल्लंघना करी है, उनके खिलाफ जो है हमने जो है वो 260 मामले जो है वो पंजीकृत जिले भर में किए हैं। इसके अलावा जिन्होंने नहीं पहनी, जो सार्वजनिक स्थानों पे पब्लिकली जो है वो मास्क नहीं पहनते हैं, उनके खिलाफ भी हमने जो है वो 448 जो है वो उनके हमने चालान किए हैं, जिसमें जिला पुलिस ने 66,100 रुपये जुर्माना जो है अभी तक वसूल लिया है। आम लोगों से आग्रह है कि वे इन चीज़ों का ध्यान रखें, और जो भी नियमों की उल्लंघना करेगा, उनके खिलाफ जो है वो पुलिस जो है वो कड़ी कार्रवाई जो है कानूनी कार्रवाई जो है वो करेगी। ऐतिहासिक शिव मंदिर बैजनाथ में सावन के सोमवार को पूजा अर्चना और हवन यज्ञ आदि करवाया गया। मंदिर में पहली बार ऐसा नज़ारा देखने को मिला कि मंदिर बिना भक्तों के खाली नजर आया, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते मंदिरों के कपाट श्रद्धालुओं के लिए पिछले 4 माह से बंद पड़े हैं। ऐसे में शिव मंदिर बैजनाथ में बीते वर्ष की तरह इस बार भक्तों की लाइनें नहीं लग पाई। इस बार शिव भक्तों ने घरों में ही या फिर गांव के छोटे छोटे मंदिरों में सोशल डिस्टेंस के तहत पूजा अर्चना की। हालांकि शिव मंदिर न्यास द्वारा शिव भक्तों को भगवान भोले के दर्शन लाइव करवाए गए। इसके अलावा खीर गंगा घाट में भी पुलिस का पहरा होने से श्रद्धालु पवित्र स्नान किए बिना ही लौट गए। इस बार भी श्रावण मास का त्यौहार शिव मंदिर बैजनाथ में मनाया जा रहा है। कोरोना जैसी महामारी से निजात पाने के लिए हर सोमवार को हमने हवन भी किया है। हर सोमवार को हवन होता है, जगत कल्याण के लिए हवन किया है। और श्रावण मास बहुत उत्तम से मनाया जा रहा है। और इस बार महामारी के कारण सरकार के आदेशों के अनुसार मंदिर के कपाट बंद हैं, अतः मंदिर के पुजारी और कर्मचारी ही सारा कार्यक्रम देख रहे हैं। और इस बार हवन भी हुआ और जगत कल्याण के लिए हमने हवन किया। नमस्कार। कोरोना काल के बीच में मंदिर के कपाट आजकल बंद हैं और पूरा सावन मास बंद रहेंगे, जब तक कि कोई सरकार के आदेश नहीं आ जाते। और मंदिर में जैसे हवन हम सोमवार को हर एक सोमवार को करते थे, वो चालू है। धन्यवाद। सावन महीने में मंदिरों में हजारों श्रद्धालु माथा टेकने पहुंचते रहे हैं, लेकिन इस बार सब कुछ बदला बदला सा है। सावन के सोमवार को तो मंदिरों में तिल धरने की जगह नहीं बचती थी, लेकिन इस बार कोरोना के चलते प्रदेश के सभी मंदिर बंद हैं और भक्त दर्शनों को नहीं पहुंच पा रहे हैं, यानी बिना भक्तों के देवालय सूने सूने नजर आ रहे हैं। इन दिनों मंदिर भक्तों के जयकारों से गूंजते थे और धूप अगरबत्ती की खुशबू से पूरा क्षेत्र महकता था। हम आपको ले चलते हैं माँ बगुलामुखी के दर। परिसर में पसरा सन्नाटा इस बात की तस्दीक करता है कि कोरोना ने माँ के भक्तों के कदम भी रोक दिए हैं, लेकिन लोगों में आस्था कम नहीं हुई है। लोग आज भी पूजा अर्चना कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है, श्रद्धालु घर में ही पूजा अर्चना कर रहे हैं, दूसरी ओर मंदिर में सुबह शाम आरती हो रही है।
आज के लिए बस इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें आपका अपना वेब टीवी हिमाचल दस्तक, दिल से दिमाग तक। शुभ रात्रि।